तो अब दोस्तों हमारे साथ तस्लीम सूंधिया मौजूद है, जो हिटर के नाम से जाना जाता है। तस्लीम भाई, देखो एक तो अपने जो गांव में होता है पिच, चीकनी माटी से बना हुआ होता है। अच्छा। हम देखते हैं, हम जो बनाते हैं जो चीकनी माटी खोद कर बनाते हैं और उसमें पानी वगैरह से उसको करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है ऐसा, ये खराब नहीं होती क्या जैसे बरसात वगैरह होती है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बरसात के ऊपर तो कवर होते हैं ना, कवर डाल देते हैं वकील भाई, है ना, और तो उसे और फिर इसके ऊपर रोलर चला देते हैं। नहीं तो नहीं नहीं, वो ठीक है, लेकिन इसमें कौन सी मिट्टी रहती है? वो ये काली मिट्टी आती है, इसमें स्पेशल मिट्टी होती है इसके लिए। और इसमें देखो थोड़ा सा पिच आज बिल्कुल बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है। देखिए इसमें नहीं, तस्लीम भाई अगर हम ऐसा कैसे पता लगाएं कि जो है बल्लेबाज के लिए आज जो है ये पिच ठीक रहेगा या गेंदबाज के लिए ठीक रहेगा? अच्छा, जब गेंद रुक के आती है ना तो थोड़ा बल्लेबाज मुश्किल में आते हैं ना, और ये पाटा पिच है, जैसे आजकल चल ही रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है कि बल्लेबाजी के लिए पिच बनाते हैं लोग, है ना, हर जगह, जैसे पीसीएल में हो गया, आईपीएल में हो गया, तो दरअसल जब भी आएंगे ज़्यादा रन बनाएंगे, तो ये पाटा पिच आजकल वही चल रही है, इसमें अच्छे से रोल करते हैं और इसमें घास नहीं है बिल्कुल भी। अगर घास डालेंगे तो फिर गेंद स्विंग होगी, फंस जाएगी एकदम, बिल्कुल स्पॉट पिच है ना। अच्छा। और इसमें ना क्रैक वगैरह जो स्पिनर वगैरह को मदद मिलती है वो भी इसमें, जैसे गेंद वगैरह इसमें जो है जस्ट टिक के आती है तो इसमें बेसिकली एक तो घास नहीं है ना, बिल्कुल ड्राई पिच है, बिल्कुल, और अच्छे से पाटा पिच, आजकल इनको पाटा पिच ही बोलते हैं, पाटा पिच के नाम से। हाँ, इसमें बल्लेबाजी के लिए अनुकूल होती है, गेंद अच्छे से बल्ले पाती है सीधा, जितना तेज डालोगे उतना ही दूर जाके गेंद पड़ेगी, है ना। जैसे अच्छा, आपने सोहेल की पारी देखी, 80 रन बनाए सोहेल ने। तस्लीम भाई जैसे इसमें चेंज करना जो है आसान रहता है या पहले बल्लेबाजी करना आसान रहता है? पहले बल्लेबाजी करना आसान होता है। अच्छा, और पहले बल्लेबाजी करोगे ना, चेंज करना तो मुश्किल है। हाँ, जब हाँ वो मुश्किल ऐसे है कि जैसे अब जैसे जैसे रात होगी तो ड्यू, मतलब ड्यू फैक्टर आएगा, ओस आएगी, होगा अच्छी से ग्रिप, बॉलर बना नहीं पाएगा, बल्लेबाजी अच्छी होगी जब ग्रिप, जब ओस आएगा ना, जैसे ड्यू आएगा, अभी तो है नहीं पर मुझे लग रहा है अगले आधे घंटे बाद ड्यू स्टार्ट हो जाएगा इस चीज़ का। अच्छा, तो यही है कि फिर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल हो जाएगी, क्योंकि उसकी पकड़ गेंदबाज की अच्छी सी नहीं हो पाएगी उसमें ना, गीली होती है ना बॉल बेसिकली, तो ये चीज़ है।